बटन दबाई अच्छा वर्मा जी के विजय पर आई। नमस्कार कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। एक मिनट भैया, क्या है आदमी कहते हैं आप ही के लिए हैं, आप ही अरे आप ही के लिए भैया, अरे आप ही के लिए कर रहे हैं, क्या होते हैं आप ही के लिए कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं अंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। अभी मैं आ चुका हूँ एक पंचायत में और इस पंचायत में लगातार भ्रमण कर रहा हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पंचायत में काफी समस्या है। यहाँ पे जो लोग हैं इतनी गरीबी से जीवन जी रहे हैं कि उनको दिखना होगा कि पंचायत में विकास कैसा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी अपने आप को दावेदार कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, काम करेंगे। जैसे कि इसी बीच एक पंचायत में हमारे से जुड़े हुए हैं अक्षयवर मांझी जी, जो इस बार पंचायत में अपना मुखिया पद से चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सर, प्रत्याशी आप है कि आपकी पत्नी है? हाँ मैं, आप हैं। ये चुनाव जो लड़ने का आपने ठाना है मुखिया पद से, किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? विकास करने के लिए। विकास करने के लिए आपका विकास में क्या काम करेंगे? जैसे मान लिया अभी गांव में भ्रमण करके आ रहा हूँ, काफी लोग क्या गरीबी से जीवन जी रहे हैं, शौचालय कमी है, नाला कमी है, नाली कमी है, यहाँ तक कि सही माने में लोगों को शिक्षा के मामले में विकास नहीं हो पाया है, क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य सब बहुत कमी है, अगर हम जीतेंगे तो फ्री में दवा एम्बुलेंस फ्री में करेंगे। कैसे फ्री में करेंगे? जैसे होगा आप वैसे करेंगे, यानी सरकार से जो भी आवंटन आएगा काम करेंगे एकदम करेंगे। अच्छा, पांच साल में जो मुखिया यहाँ पे थे उनके विपरीत में आप क्या कहेंगे, उनसे खुश है ना खुश है या खुश है? उनसे तो कोई खुश नहीं है। दलित का सीट है और वो अपना खींच खाच कर दबंगी से अपना किसी अपने नौकर चाकर को जीता को अपना उस पर दबदबा रखे हैं। आज तक पंचायत में कोई काम हुआ है ना? गरीबों का राशन कार्ड है ना इंदिरा आवास है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिला नहीं है, नहीं है। जिसको तीन तला चार तला है उसी को दिया जा रहा है, गरीब छटपटा रहा है। आप क्या कहेंगे, साथ में युवा भी हैं, घूम भी रहे हैं, क्या लगता है किस उम्मीद के साथ आप लोग उतरे हैं, इनके साथ समर्थन में दिख रहे हैं और इस लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये चुनाव जो लड़ रहे हैं इनके जीत के प्रति क्या सोचते हैं आप लोग? बहुत बहुत उम्मीद है। हाँ। ये मतलब चरम सीमा यहाँ पार है, बहुत मतलब यहाँ नाजायज हुआ है। हाँ। पब्लिक के साथ पूरे पंचायत के जो लोग है जनतागण है उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक, हम लोग न्याय दिलाने के लिए पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। आप क्या कहेंगे, साथ में घूम रहे हैं, क्या कहेंगे गांव के बुजुर्ग, आप क्या कहेंगे सर? आप लोग किस उम्मीद के साथ घूम रहे हैं? आप लोग टी शर्ट पहने हैं, किस उम्मीद के साथ घूम रहे हैं? जो टी शर्ट पहने हैं इनका किस उम्मीद के साथ घूम रहे हैं? क्या नाम है आपका? संतोष। इस बार वोट देंगे इनको? वोट देंगे आप लोग? सपोर्ट में देंगे। हम लोग चाचा लगता है, हम क्या लगेगा, हम इनको चाहते हैं हम लोग बनाने के। क्या कहेंगे सर आप आगे थोड़ा, ये क्या कहेंगे, किस उम्मीद से ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत दिन से लड़ रहे हैं, ये सारा पब्लिक सभी सपोर्ट कर रहे हैं जी भाई। आपका पंचायत का नाम क्या है? दतिंगना। दतिंगना है। इस पंचायत में कितने गांव कितने वार्ड हैं? इस गांव में 10 वार्ड है। हाँ, गांव कितने? गांव 5 है। कौन कौन सा? सिहोरमा, मठ गौतम, दतिंगना, 24 तारीख को अंबरपुर, त्यारूपुर। तो इस सारे पंचायत में जितने गांव हैं सारे गांव में भ्रमण कर रहे हैं? पूरा गांव भ्रमण करने के दौरान भ्रमण कर रहे हैं, पैदल भ्रमण करने, पैदल 9 किलोमीटर हमारा घर है लेकिन पैदल भ्रमण करने में आपको जनता के में क्या कुछ कहने का मौका मिल रहा है, क्या जनता कह रही है? जनता कह रही है कि आप ऐसा, हम लोग चाहते हैं कि आप ऐसा मुखिया हो बने कि मेरा गांव का पंचायत का विकास हो के, यही लोग कह रहे हैं। ये जो लोग आपके साथ आए हुए हैं ये जो अपने मन से आए कि मतलब ये लोग बिना खाए हुए बिना पिए हुए बिना पानी का 9 किलोमीटर से ये लोग आकर पैदल बिना खाए पानी पिए। सर हम लोग यही चाहते हैं, मान लीजिए हमारे गाँव का हम लोग किसी का आधार कार्ड है किसी का नहीं है, कोई आदमी मतलब मान कर चलिए दवा बगैर अपना जिधर जा रहा है उधर मान कर चलिए, जहाँ 300 रुपया फीस लगना है उधर व्यवस्था नहीं है, रास्ता घाट का नहीं है।
जी भैया क्या कहेंगे आप पंचायत में किस तरह से विकास चाहते हैं? पंचायत में हम लोग यही चाहते हैं जो हमारे छबर भाई जीतेंगे तो हमारे गांव का जो रास्ता है उसको सही कराएंगे। जो मान कर चलिए जो गरीब बूढ़ा आदमी है उनको टाइम से कोटा राशन पानी नहीं मिलता है तो अपना ये विकास करवाएंगे तो अपना ये दिलवाएंगे। जैसे भी सरकार से जो दावा दुआ का फंड आएगा अपने फ्री में इलाज कराएंगे। हम लोग इनके तरफ से पूरा सहयोग में है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनके साथ में घूम रहे हैं मुखिया जी के पद पर हम लड़ा रहे हैं। आज 30 साल से हम लोग इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं मतलब धतिंगना पंचायत में। यहाँ पर तो मतलब कि खुद का जनरल मतलब सीट तो है नहीं, रिजर्वेशन है, खुद का हम लोग का हक बनता है। लेकिन यहाँ पर जनरल कास्ट के जो भी है फॉरवर्ड वो प्रत्याशी मतलब नौकर चाकर उठा कर अपने को सोचते हैं हक हक जमा ले और अपना काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे जो बात बोल रहे हैं? ये सच बात है, सत्य है। आप प्रचार में भी देखिए थोड़ा लड़ रहा है दलित और प्रचार हो रहा है फॉरवर्ड को मैंने मुसहर जाति के लोग लड़ रहे हैं इन लोगों का। अब भंजारू लोगों का प्रचार हो रहा है मुरारी सिंह, अजय सिंह, प्रकाश सिंह, चिंटू सिंह, चंद्रशोर। आप न्यूज में देखिए ना, प्रचार गाड़ी में देखिए कि कोई नियम है कि दलितों का सीट है, इन लोगों को ये लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। नियम ये तो बहुत अन्याय हो रहा है हमारे बैकवर्ड और समाज में जो पंचायत घर की जनता है। मतलब आप लोग जी वो आरक्षण दे रहे वो उचित नहीं मिल पा रहा, उचित मूल्य नहीं। हम यही सर कहना चाहते हैं जो यहाँ के जो वर्तमान अभी मुखिया है उसे आप मिलिए, जाकर देखिए वो बाबू साहब गोबर उठा रही है। अभी बहुत शर्मिंदा है कि हमारे पंचायत में जाता है मुखिया जो का कोई नहीं है, बहुत शर्मिंदा है। जो मुखिया है वो गोबर काचती है दूसरा का जी गोबर उठाती है। और वो जेल गई थी, अभी आप न्यूज में देखिए जेल भी गई थी, चुराए वो लोग 5 लाख रुपया दे के सारे वार्ड। यहाँ एक वार्ड मर गए नल जल कहीं, यहाँ जाके घूम घूम के सर्वे कीजिए पंचायत में। देखिए आप जाकर साइन करवाइए, ये देखिए आपके नजर में है, ये देखिए बहुत सबूत के तौर पे ये स्ट्रीट लाइट 3600 का आया है। एस्टिमेट वैल्यू है सरकार की गवर्नमेंट की 3600 रुपए का लगा है। ये आपके सामने प्रूफ देखिए हर क्या कहेंगे आपका नाम क्या है? इस बार समाज में क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं। कैसे इनको सपोर्ट कर रहे हैं आप? इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करते क्या आप? हम तो बस घर पर रहते हैं। किसानी करते हैं? हम लोग विदेशी है, किसानी करते हैं। तो जैसे विदेश में रहे वहाँ का जो माहौल यहाँ का माहौल देखे होंगे तो आप मतलब लगता होगा पंचायत का विकास होना चाहिए? होना चाहिए एकदम। हाँ होने पर आपके साथ युवा लोग बुजुर्ग भी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने आपको चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि भैया हम लोग विकास चाहते हैं और विकास नाम के यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। हमारे धतिंगना से जाने के लिए दलित बस्ती है वहाँ पर जाके देखिए एक सिंहरवा गाँव है, जाइएगा तो ठेवना भर गड्ढा आपको मिलेगा। और दलित का ये सीट है, यहाँ का सांसद भी दलित है लेकिन यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। 15 साल से अरे सुमन रिजर्व वो भी सीट है रिजर्व, बड़े सांसद का भी सीट रिजर्व है और ये भी सीट रिजर्व है लेकिन विकास नाम का जी 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 और यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा रिजर्व हुआ है, हम नहीं मानते हैं नाम के लिए रिजर्व हुआ है। अगर रिजर्व रहता तो इसमें शादी से हमारे छोटे वर्ग का लोग लड़ता, ठीक है, अजय सिंह नहीं लड़ते, मुरारी सिंह नहीं लड़ते, प्रकाश सिंह नहीं लड़ते। सर ये न्याय नहीं हो रहा है, एकदम अन्याय हो रहा है। अच्छा आप बुजुर्ग हैं, आप क्या कहेंगे? आप इधर क्या कहेंगे? किस तरह अपना आवाज उठा सकते हैं जी, क्या कहेंगे जी? तो वो चीज़ मतलब पंचायत में विकास होना चाहिए जी जी। तो मतलब इस बार क्या लगता है? इस बार विकास तो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि इस बार अच्छे लोग को ईमानदार अच्छी तक्रमण लोग को जिताएं। अच्छा और जो पॉकेट में रहने वाले नौकर चाकर वाले जो हाथ धा के जिताए हैं दूसरे पर सिर खींचने वाले उसको नहीं जिताना चाहते। आपने पर्चे दी सर, आपने चुनाव चिन्ह क्या मिला है? मोती का माला। मोती का माला एक नंबर। ईवीएम पे कितना है? एक नंबर। एक नंबर पे क्या बात है? ईवीएम पे एक नंबर मिला था तो आपको ऊपर का सहयोग तो सत्तर मिल गया। क्या कहेंगे जनता से, क्या कहेंगे? अपने जनता का समर्थन मिल रहा है, आपको पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ नहीं घर है, इंदिरा आवास मिला है? ना इंदिरा आवास मिल बा? ना शौचालय मिल बा? शौचालय मानी ना बनो, ना बनो काहे? ना बनो मिलो काहे? माने जानते में कौन विभाग केनहु केनहु गई चल लेला। हाँ तो ये परी क्या कहते हैं लोग यहाँ के चुनाव लड़ते नहीं के प्रत्याशी बने? हम तो वोट देवे के बाद दिया, मोती के माला पर दिया, दूसरे के कर दिया।
तो सर क्या कर दिया ही? बोली तो मैंने उम्मीद बा पूरा की पर विकास होई। ए माय तो हम अपने देह को भगवान ने हतना पहुंच के भागी नहीं हूं, अपना देह के भागी हूं, हम एक देह सकता नहीं, हमार परिवार बा तो न कह के दिवा सकता नहीं, हतना दिन हम भागी नहीं हूं। देखिए यहां देखिए सर क्या बात है, तो ये देखिए आप जनता इतनी मतलब प्यार मोहब्बत दिखा रही है, इसके सिवा किस भी आता है? जनता की जनता तो आप मतलब जिस पर उम्मीद है कि जनता के बीच काम करेंगे, एकदम करेंगे, फ्री में एम्बुलेंस देंगे, फ्री में दवा देंगे अपने पंचायत में, फ्री में एम्बुलेंस देंगे जो सरकारी सुविधा है, हम नियम जो कानून जनता है नहीं देती है तो मैं अपने पैकेट से दूंगा। ये उम्मीद करते हैं? एकदम उम्मीद करते हैं, फ्री में देंगे पंचायत में एक एम्बुलेंस। हम लोग का सीट तोड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं जन वितरण का दुकानदार हूँ, मैं अपने दुकान को त्याग पत्र दे चुका हूँ, मैं मुखिया में लड़ूंगा। मेरे साहब बोले कि क्या दुकान छोड़ दे जाऊँ, छोड़ देंगे, मैं कोई चोरी कमाने के लिए नहीं लड़ रहा, मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अगर जीत गया मैं दुकान को त्याग पत्र दे दूँगा। साथियों देखिए बात की ग्राम पंचायत राज दिग्ना के भावी मुख्य प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं माझी जो इस पंचायत के लिए एक मुहिम पे निकल चुके हैं विकास की यात्रा पे, और आप लोग कुछ देखेंगे तो सब पहले देखेगा, आप लोग कॉम्प्लेट देखेंगे कॉम्प्लेट देंगे। देखिए ग्राम पंचायत राज दिग्ना से मुख्य कर्मठ संघर्ष आपने यहाँ पे लिखा है जात पात की बात नहीं, संघर्ष त्याग का नारा है, जनता ही हमारा धन है और कर्म बल का सहारा है, इसका क्या मतलब है? मतलब है कि मैं जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखूंगा, जो पंचायत में गरीबों का अगर कोई गरीबों को दबाता है उसके लिए मैं 24 घंटा खड़ा रहूंगा, अपने बल बूटा पर गरीबों का लिखा है सहयोग कर्मठ संघर्ष शिक्षित प्रत्याशी है, और आपका चुनाव जी मोती का माला है, एक पे मिला है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, किस्मत वालों को मिलता है, जीत रहे हैं, उम्मीद पूरा देख रहे हैं, जनता से उम्मीद।